गुड आफ्टरनून बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून क्या आप मुझे सुन सकते हैं कैन यू सी मी एंड कैन यू हियर मी बेटा फटाफट बताओ सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन गुड आफ्टरनून क्लियर बच्चे यस yes, बेटा गुड आफ्टरनून कैसे बच्चे आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट नीट चैनल पर बच्चे थोड़ा सा एक दो मिनट लेट हो गया थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो अभी ठीक है नाउ इट इज वेरी क्लियर गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम टू दिस ऑसम चैनल एंड ऑसम सेशन जस्ट नीट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है देखते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़ गए लक्ष्मी आदित्य सुमन मोहित साईगौर डॉक्टर राजवीर जुहा जी रवि शिव कुमार सिंह शैक लक्ष्मी नौशीन राधिका साईगौर सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज रिविजन क्लास नंबर वन इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में करूंगा आज बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं और कुछ बेहतरीन वीडियोस भी लेके आया हूं आपके लिए तो बेटा लास्ट तक जुड़े रहना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपने शायद आपको नहीं आते होंगे देखो आज के सेशन में कुछ गलतियां होंगी आपसे तो वो गलतियां मैं जानबूझकर आपसे एरर कमिट करवाता हूं ताकि आप जो है उसको ठीक कर सको करेक्ट कर सको भावना सिर्फ यही है कि सिखाना है ठीक है तो आज फटाफट -फड़ से जल्दी से लाइक्स करो लाइक, कर, लाइक शेयर लाइक करो और शेयर करो ताकि जो है मैं सेशन को स्टार्ट करूं चलो बेटा माई नेम इज डॉक्टर गगन वोरा अगर कोई बाद में जुड़ा है आज पहली बार जुड़ा है तो उसके लिए बता देता हूं और बेटा मैंने बहुत सारे को गाइड के लिए वो वो नहीं है वो तो पास्ट है तो मैं बार-बार कहता हूं, आपकी सिंगल में आनी चाहिए उसके लिए हम सब लोग कमिटेड है पूरा जस्ट नीट चैनल पूरा अनअकेडमी की फैमिली कमिटेड है चलो बेटा फटाफट आगे चलते हैं अन अकेडमी अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो आपके पास सबके पास जो है एंड्रॉयड फोन होता है अगर कोई नया स्टूडेंट है उसके लिए बताते हैं तो बेटा अन अकेडमी को इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे प्लस कैटेगरी में चले जाएंगे ये आपको मैं रोज बताता हूँ जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ और फिर आप जो है नीट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे नीट कैटेगरी को इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं ठीक है बेटा फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का अवसर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी मंथ मैं थोड़ा जल्दी जल जल जल्दी बता देता हूँ G -A -G -A फीस जो होगी उसमें दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा फटाफट से बच्चे जब जुड़ जाओ फटाफट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो और आप देख सकते हो कि कौन कौन सी क्लासेस आने वाली है सारा जो आपके पास सा इंतजार करो आ जाएगा प्लस पे कोर्स, टेंशन मत करो अभी आप मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ो स्पेशल क्लासेस में पढ़ो आज मेरी एक स्पेशल क्लास है नौ बजे आज मैं जो है ये चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंक्लूड कर दूंगा और फिर मैं कल से प्लस पर

पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आपको नेजल कैविटी कैविटी और ओरल दिख रही है बेटा हमें मालूम है कि हमारी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है और एक डाइजेस्टिव ट्रैक है और पैलेट पैलेट कॉम्प्लेक्स एक बोन है जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करती आपको है आपको मालूम है पैलेट कॉम्प्लेक्स होती है गुड आफ्टरनून बच्चे स्पेशल क्लास डॉक्टर सानिया ऐप पर ही होती है रात को नौ बजे मैं दोबारा बता दूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है टू नेजल कैविटीज दू नेटेड बाई अदर बाई मीन वर्टिकल पोर्शन By means of a, also made of रही है ठीक तो है, है, साथ -साथ है आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है विघ्नेश पूछ रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं बेटा पोस्टपोन होने के चांसेज है क्लैरिटी से कोई नहीं कह सकता मैं आई होप के नवम्बर के आसपास हो जाना चाहिए लेकिन इस साल हो जाएगा चलिए

तो वहां पर फाइबरस कार्टिलेज नहीं होता है कार्टिलेज होता है नाक के बीचों बीच एक बोन होती है जिसे वोमर कहते हैं कई लोगों का बिस्मिल्ला आज खराब हो गया लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा ये ट्रू नहीं है ये फॉल्स है हमेशा याद रखना एक बार ए में क्वेश्चन भी आया था अगर किसी की नेजल सेप्टम डैमेज हो जाती है ना तो उसे हयालीन कार्टिलेज रिप्लेस करता है बोन भी है और कार्टिलेज भी आधा बोन ही आधा कार्टिलेज लेकिन कार्टिलेज हयालीन है चलो बेटा यस बेटा कोई बात नहीं इन तमाम उलकने कहा कि बिस्मिल्ला सही हुआ चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैं इस तरह से आपको रिविजन कराता हूं आज बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज भी दिखाने वाला हूँ आपको एक्चुअली में मजा आने वाला है देखो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चनिंग फ्रॉम द नोस ड्यू टू एक्सेसिव ही फटाफट बताएंगे दिस इज कॉल्ड एपिस्टैसिस क्या ये सही है या गलत है कभी कभी क्या होता है ना आप जब बहुत ज्यादा गर्मी में चले जाते हैं हीट में चले जाते हैं तो नाक के बिल्कुल नीचे कैपिलरीज का एक जंक्शन होता है वो कैपिलरीज डायलेट हो जाती है और नाक में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो जो नाक में से ब्लीडिंग होती है उसे एपिस्टेसिस कहते हैं क्या ये सही है या गलत है ट्रू है या फॉल्स है जल्दी जल्दी बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्रू है या फॉल्स है सेकंड का आंसर सब लोग कई रजत त्रिपाठी ने ट्रू लगा दिया बहुत सारे लोग रिचा कुमारी ने ट्रू लगाया किसी ने ट्रू लगाया किसी ने फॉल्स लगाया मेरे बेटा ध्यान से पढ़ो ये एपी है ये जेनेटिक्स का टर्म है एक्चुअली जो टर्म है वो एपी है देखो ये इसलिए मैंने आपसे पूछा पहला दूसरे क्वेश्चन में आप जो है फंस गए एक्चुअली जो नो से ब्लीडिंग होती है उसकी स्पेलिंग ये लिखे है मैंने ब्लू कलर से तो का टर्म होता है तो जो होता है ठीक मतलब है, 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 है डबल रिसेसिव होता है इसे जीन कहते हैं। तो एक्चुअली है देखो रजत त्रिपाठी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा मैंने नहीं देखा मुसरत जहां ने फॉल्स लगाया शैक ने फॉल्स लगाया आधे लोगों ने फॉल्स लगाया आधे लोगों ने ट्रू याद रखो नोज से ब्लीडिंग होती है उसको अगर आप आइस लगाएंगे या सिर ऊपर करेंगे तो वो ब्लीडिंग अपने आप कंट्रोल हो जाती है तो बहरहाल आपको यह मालूम है इसमें कोई खास बात नहीं है आगे बढ़ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है में कंटेन सम बैग सच्ची सच्ची बताओ सोच सोच के <laughs> कि थर्ड का आंसर आपको आता है या नहीं आता थर्ड का आंसर सही है या ट्रू है ओके okay, बेटा मनीष गुप्ता जल्दी जल्दी बताएंगे जल्दी जल्द जल्दी बताएंगे फटाफट फड़। थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है फटाफट लाइक करो 97 सेवन वॉचिंग सेवेंटी थ्री बहुत गड़बड़ बच्चे हो इतने जलास्टिक बच्चे क्यों फटाफट लाइक करो फटाफट 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 में लिम्फ ट्रू है है या फॉल्स विशाखा ने बोला ठीक है प्रियंका ने बोला आता है इतने बोला ट्रू नहीं नहीं मम्मी फड़ देखो बेटा। देखो, में ये बिल्कुल सही बात है ऐसे ने लिम्फ बैक को एडीनोइ्स कहते हैं याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडीनो वर्ड का मतलब ग्लैंड होता है और OID का मतलब उसके जैसा होता है तो नेजो फेरेंजलॉइड कहा जाता है एडिनोग्ण, एडिनोग्ण आर टॉन्सिल्स एडीनॉइड एडीनॉइडोजियलो फेर शुरू हो रहा है वहां पर लिम्फ के छोटे छोटे बैग्स हैं जिन्हें एडीन कहते हैं छोटे बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम करते हैं छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए कभी कभी एडीनॉइड्स को रिमूव कर देना पड़ता है तो दिस इज ट्रू चलो बेटा याद रखना एडीनॉइड आर नेजो फेरेंजियल टॉन्सिल्स बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं एक थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं जिन्हें हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं एक टंग पे टॉन्सिल्स होते हैं जिन्हें लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं एक ट्यूब पे टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स होते हैं जिने कहते हैं जिन्हें कहते सबको जोड़ देते हैं तो वोल्डियर लिम्फेटिक रिंग बनती है ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे मैंने बता दिया चलो अगले क्वेश्चन भी आते हैं बेटा फटाफट -फड़। यहां से आपको देखना है यहां से आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपको पता है कि एक साइड वाला जो नोजर्स उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं तो एक होता है ऑल फैक्ट्री ठीक है सबको मालूम है एक होता है ऑलफेक्ट्री बीच वाला होता है रेस्पिरेटरी और सबसे नीचे वाला होता है वेस्टिब्यूल मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि उस साइड पर मुझे क्वेश्चन पूछने हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये रहा मेरा सामने आपके सामने पहला सवाल ऑल फेक्ट्री एरिया जो सबसे ऊपर दिख रहा है बेटा देखो आपको सबसे ऊपर यहां पर दिख रहा होगा ऑल फैक्ट्री एरिया ये जो आपको एरिया दिख रहा है क्या इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं ये आपको सोच करके बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स जल्दी 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 ट्रू और फॉल्स नौशीन ने लिखा बेटा पहला आंसर आंसर लिखो फर्स्ट का नंबर लिखा करो हाउ डू आई नो कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं मैं विकास दुबे कानपुर वाला वेरी गुड और मैं गगन वोरा दिल्ली वाला सही बात जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्द बताओ पहले का आंसर ट्रू है डॉक्टर रोशनी ने लिखा फॉल्स है कई लोग ट्रू लिख रहे हैं देखो आधे लोग फंस गए बच्चे मेरे ऑल फैक्ट्री एरिया में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स नहीं होती है फॉल्स है बाईपोलर न्यूरॉन्स होती है ऑलवेज रिमेंबर

जो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है वो एम्ब्रियो में होती है और बाईपोलर नोज में इनर ईयर में और रेटिना में याद रखना आप गलत मत कर देना चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली बार अगला क्वेश्चन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आया था जिपमर में पांडिचेरी जिपमर में 2014 में ठीक है जहां जिस साल में पटना से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था फोर्टीन रैंक से ठीक है उसका नाम है क्या नाम था उसका नाम भूल गया हाँ अपूर्वा अपूर्वा नाम है उसका फोर्टीन रैंक से उसका सिलेक्शन हुआ था पटना वाले बच्चे ध्यान से तो सुन लो जब थाउजेंड फोर्टीन में क्वेश्चन आया था फटाफट बताया फटाफट जल्दी 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 ने बोला आई डोट नो कोई आई विचिन शर्मा ने बोला सेकंड का ट्रू तेजस्वनी गुप्ता ने बोला ट्रू मुसरत जहां ने बोला ट्रू एपसलूटली ट्रू यह बिल्कुल सही है अब मैगजलरी साइनस क्या होता है बेटा साइनस जो होते हैं ना देखो साइनस जो आपका फेस होता है ना उसमें ओपन स्पेसिस होती हैं जो बोन्स होती हैं वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं होती है ऐसे खाली खाली स्पेसिस होते हैं जैसे बोन्स जो होती है ना वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं होती हैं तो खाली बन जाते हैं हैं उन्हें साइनस कहते लोगों को ना गलत बोलने की आदत है कि मुझे साइनस है डॉक्टर को जाके बोलेंगे मुझे साइनस हो गया और तो मेरे बच्चे साइनस सबके पास होता है मेरे जैसा डॉक्टर होगा ना तो कह गया झल्लास्टिक बच्चा है झल्लास्टिक पेशेंट है साइनस सबके पास होते हैं साइनोसाइटिस होता है जैसे कि लोगों को कहने की आदत होती है मुझे टॉन्सिल्स हो गए यार टॉन्सिल सबके पास होते हैं टॉन्सिलाइटिस होता है लोग कहते हैं मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया अरे ब्लड प्रेशर थोड़ा होता है हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर होता है लोग बोलते हैं मेरे स्टमक में हेडेक हो गया ऐसे ऐसी बातें करते हैं मेरे को अपेंडिक्स हो गया अपेंडिक्स सबके पास होती है अपेंडिसाइटिस होता है तो साइनस सबके पास होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा ही मैक्सिलरी साइनस होते हैं कई साइनस होते हैं फ्रंटल साइनस होते हैं फ्रंटल मैक्सिलरी इथोमोडल फिनॉडल साइनसिस होते हैं ये ओपन स्पेसिस होते हैं जहां पर जो मैगजिलरी साइनस उसमें मेम्ब्रेन होती है ये थोड़ा सा स्मेल से रिलेटेड होती है याद रखना चलिए वेरी गुड आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं टाउन भी सबके पास होते हैं बिल्कुल सही बात है चलो फटाफट वेस्टिब्यूल वर्ड ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो खोज खोज के मैं क्वेश्चन लाता हूं ये क्वेश्चन भी आया हुआ एंट्रेंस एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं उसका नाम पुकारूंगा बस और कुछ नहीं कर सकता यहां से गिफ्ट क्या दे सकता हूं थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट वेस्टिब्यूल वर्ड इज कॉमन अमंग ईयर ओरल कैविटी एंड फिगर्स मोहित मोरिया जल्दी 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 हसो नहीं फटाफट आंसर देंगे थर्ड का थर्ड का थर्ड का प्रियंका शर्मा ने बोला ट्रू चलो देखते हैं मैंने बोला ना यहाँ से आपका नाम लूंगा अगर जिसने बिल्कुल सही आंसर दे दिया सब लोग ट्रू बोल रहे हैं ट्रू बोल रहे हैं तेजस्वनी गुप्ता फॉल्स बोल रही है।, तेजस्वनी है तेजस्वी है तेजस्वनी गुप्ता दी ओनली करेक्ट आंसर सबसे पहले जो दिया तेजस्वनी गुप्ता ने फिर नौशीन ने दिया बिल्कुल सही कह रहे हो कोमल सिंह ने भी दिया बेटा ठीक है आप सबका नाम लिया मैंने भगवान आपको बड़ी जल्दी जल्दी सफलता दे और जो गलत दे रहे हैं उनको भी सफलता दे ईसोफेगस नहीं होता बेटा ईसोफेगस गलत है वर्ड ईयर में भी होता है नोज में भी होता है मेरे बच्चों का मतलब लिप्स और टीथ के बीच के स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं इनर ईयर में वेस्टिब्यूल होता है जहां वेस्टिव्यूलर एपरेटस होता है ठीक है और आपके पास नोज में वेस्टिब्यूल आपको मैंने दिखाई है देखो यहां जहां पर नोस्ट्रिल्स खुल रहे हैं बाहर की साइड पर ये आया हुआ क्वेश्चन था मैंने इसलिए पूछ वेस्टिब्यूल और में कोई नहीं होता तो ये फॉल्स हो गया तीन सही थे एक गलत था चलो कोई बात नहीं तीन बच्चों ने सही जवाब दिया मैंने उनका फटाफट नाम बेटा ना? दो सिस्टम लैप डेस्कटॉप लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूं डेस्कटॉप से आपके मैं मैसेज देख रहा हूं तो क्या होता ना ये अलांटो एक्सियल जॉइंट इतनी जल्दी जल्दी हिलता नहीं है ना कभी इधर भी तो देखना पड़ता है ना पढ़ाना पड़ता है चलो यस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी होता है इस वीडियो को देखो फटाफट फड़ इस वीडियो को देखो यहां पर लारेंग्स के आपको सारे कार्टिलेज दिखेंगे बहुत खूबसूरत वीडियो है बेटा लायरें जिसको आप वॉइस बॉक्स कहते हो उसमें नौ कार्टिलेज होते हैं अभी हम याद करेंगे नौ कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं फटाफट -फड़ देखते जाओ यहां पर आपको हायोर्ड बोन दिख रही है घूमती हुई एक बोन दिख रही है हायोर्ड बोन जिसे टंग बोन कहते हैं टंग के नीचे होती है हायोर्ड बोन एक बहुत खूबसूरत यू शेप बोन है याद रखना लोकोमोशन में क्वेश्चन दिया हुआ है आर्यन सिंह बेटा ठीक है

चलो मनीष गुप्ता ठीक है बच्चे आई एम सॉरी आपका नाम नहीं पुकार सका थाड कार्टिलेज वी शेप कार्टिलेज एंड इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लारेंस सही बताओ फटाफट -फड़ सोच के क्या है या गलत है क्या थाइड कार्टिलेज था कार्टिलेज बेटा जल्दी जल जल्दी बताओ इज वी शेप कार्टिलेज इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लारेंस इट इज ट्रू और फॉल्स क्रिस्टीन आई एम गोइंग टू स्टार्ट जेनेटिक्स फ्रॉम टुमारो इन स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस में मैं जेनेटिक्स शुरू करने वाला हूँ कल से सब बच्चे आ जाना थायरॉइड कार्टिलेज वी शेप कार्टलेज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लारेंस फॉल्स या ट्रू कौन से बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं फटाफट -फड़ बोलेंगे फर्स्ट का आंसर बोलेंगे मेरे बच्चे, फर्स्ट का आंसर बोलेंगे फर्स्ट का। कई सारे लोग फॉल्स बोल रहे हैं यार इसमें क्या है? इतना सुंदर सुंदर तो लिखा है, v क्या गलत है? True. True. नहीं है बेटा बिल्कुल सही बात है विशाखा कुमारी ने कहा हंड्रेड परसेंट ट्रू है एकदम सही है. जो है बेटा वो लार्जेस्ट कार्टलेज का वी होता है मेल्स में बड़ा हो जाता है यहाँ पर प्रोलीफ्रेशन हो जाती है तो उसे एडम एप्पल भी कह देते हैं पोमस एडमी भी कहते हैं याद रखना कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है पोमस एडमी आदमी नहीं है एडमी है एडम्स एप्पल ये दूसरा नाम है पोमोलॉजी होता है ना स्टडी ऑफ फ्रूट इसीलिए ठीक है तो याद रखना सबसे बड़ा काट ले आप गड़बड़ मत करना चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने आपके सामने मेरे सामने भी और आपके सामने भी ये रहा फटाफट बताएंगे एरिटेनॉड अनपेयर्ड कार्टिलेज ऑफ द लारिंग कार्टिलेज काटिलेजवी नारायण ओके बेटा ठीक है वेरी गुड यस yes, बेटा बताओ फटाफट फटाफट आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोज कार्टिलेज इज रिवाइज करते जाएं। फ़ड़ा फ़ड़ा बोल रही है, बोल रहे फटाफट बोलेंगे बोल कुछ कुछ लोग ट्रू भी बोल रहे हैं मेरे बच्चों ध्यान से समझ लो एरिटेनॉयड दो थे एरिटेनॉय दो थे अभी मैं आपको लैरिंग्स के नौ के नौ, नौ कार्टिलेज दिखा रहा हूँ कभी गलती नहीं होगी ध्यान से सुन लेना ये देखो एक और क्वेश्चन बताएंगे देखो बेटा, नाइन कार्टिलेज, ये मार लो। में नौ कार्टिलेज होते हैं ठीक है तीन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं याद रखेंगे और तीन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा पहले मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देंगे थ्री डाल के थ्री 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 रवि चौरसिया थर्ड में लिख रहे हैं ट्रू आदित्य राज लिख रहे हैं ट्रू साई गौर लिख रहे हैं ट्रू एकदम ट्रू ट्रू विद थम्स अप यस बेटा बिल्कुल सही जवाब है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को ही कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है रिमेंबर दिस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नो बेटा श्रद्धा यादव इट इज ट्रू ये बिल्कुल सही है तीसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है तीसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं ये रहा आपके सामने अब आप इसको याद कर लेना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ऑफ दिस सेशन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं ये देखो थायराइड एपिग्लॉटिस और ये पेयर्ड कार्टिलेज है ये तीन पेयर छे हो गए और ये जो है अनपेयर्ड कार्टिलेज है तो टोटल नौ कार्टिलेज होते हैं ये रही आपके पास सामने लिस्ट इस लिस्ट को ध्यान से देख लो बेटा अविनाश भारद्वाज वेरी गुड बेटा सान्या बिल्कुल सही बात है थायराइड कार्टिलेज सी शेप नहीं होता बच्चे थायराइड वी शेप्ड होता है क्रिकॉर्ड शेप सी शेप होता है डॉक्टर सान्या थायराइड वी शेप्ड होता है और जो Uh, देखो ना थायर को देखो आपको दिखने से लगेगा ऐसा प्रतीत होगा ऐसा महसूस होगा आप कह सकते हो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये वी बन रहा है ये वी बन रहा है ना वी ऐसे वी बन रहा है ठीक है ये देखो ये वी शेप काटलेज है तो ये इट इज नॉट सी शेप काटलेज याद रखना बेटा गड़बड़ नहीं करेंगे तीन कार्टिलेज काटलेजेड है एक दो तीन और तीन पेड़ है ये आपके सामने याद रखो बेटा यस बेटा रिंग शेप भी होता है विशाखा सी शेप भी कहते हैं रिंग शेप भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यस बेटा नहीं है सी कहां पर लिखा हुआ कौन सी किताब में लिखा हुआ नजर आएंगी। ये देखो, वोकल वाला डायग्राम देखेंगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे फटाफट -फड़। आप देखो इस वीडियो को देखो यहां पर आपको ये वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं देखो टंग मूव करती हुई नजर आ रही है और ये रहे वोकल कॉर्ड्स ये रहे वोकल कॉर्ड्स देखो बेटा फटाफट फड़ देखो फटाफट फड़ देखो फटाफट फड़ देखो यस yes, बेटा पहले वोकल कॉर्ड्स देखो यू कैन सी दैट देखो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो होते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो होते हैं वो देखो फटाफट वो वोकल कॉर्ड्स को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं देखो ठीक है ओके okay, बेटा कोई बात नहीं वी कर लो उसको देखो यहां पर देखो ये वोकल कॉर्ड्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं देखो आप इसको यहां पर देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी आप इसको देखो फटाफट देखो सी दिस ब्यूटीफुल वीडियो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से वोकल कॉड्स मूव करते हैं हमें पता होना चाहिए कि मेल्स में जो होता है वोकल कॉड्स थिक होते हैं और मेल्स की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है लो पिच होती है और फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है ठीक है ये ध्यान रखना बेटा ठीक है क्या होता है कि वोकल कॉड्स जो होते हैं मेल्स में वो थिकर होते हैं और मेल्स की वॉइस लो पिच होती है और दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक स्पेस होता है उसका नाम बता रहा है देखो यहां देखो फटाफट पहले हम मुझे बताएंगे वोकल कॉर्ड्स आर मेड ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज विद कार्टिलज पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट दीजिए लक्ष्मी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर यहां पर देखेंगे हाँ वो एपिग्लॉटिस है सही बात है मेरे मुंह से टंग निकल गया ठीक है सॉरी सॉरी ठीक है चलिए 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 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट 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 जल्दी 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 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे देख रहा हूं मैं क्या लिख रहे हैं ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स 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 आधे लोग ट्रू लिख रहे हैं आधे लोग फॉल्स लिख रहे हैं देखो बेटा इसमें एक गड़बड़ है इसमें एक गड़बड़ है यहाँ केरेटेनाइज लिखा हुआ है यहां पर किरटेनाइज लिखा हुआ है ध्यान दो यहां पर केरेटेनाइज लिखा हुआ है एक्चुअली इट इज नॉन केरेटेनाइज एक्चुअली इट इज नॉन केरेटेनाइज जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो नॉन केरेनाइज होते हैं आप देखो आधे लोगों का गलत हो गया आंसर देखो कई सारे लोग ट्रू लिख रहे हैं देखो ना ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है वोकल कॉर्ड्स आर मेड ऑफ येलो फाइबर येलो ये इलास्टिक टिश्यू विथ केरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम तो ये थोड़ा होगा केरेटेनाइज नहीं होगा क्या होगा या नॉन केटनाइज यस बेटा ओ नो अशोक कुमार यादव कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं फॉल्स है बेटा नॉन केटनाइज होता है आपकी स्किन में होता है नेल्स में होता है हेयर में होता है गाय भैंस के हॉर्न्स में होता है ये सब जगह पर होता है चलिए राइट 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 ओके बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीमा ग्लोटिडिस इज अ गैप बिटवीन दी वोकल कॉर्ड्स फटाफट बताएंगे रीमा ग्लोटिडिस सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे दिस इज ट्रू और फॉल्स दिस इज ट्रू और फॉल्स जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे फटाफट 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 हो गया बेटा पहला क्वेश्चन हो गया

फाफट पड़ देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे थर्ड का क्वालिटी ऑफ वॉइस डिपेंड्स ऑन द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट टंग जॉज एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे ट्रू या फॉल्स थर्ड का थर्ड का थर्ड का हो गया बेटा सेकेंड हो गया थर्ड का आंसर देंगे थर्ड का थर्ड का थर्ड का आंसर देंगे, देंगे जल्दी से जल्दी से सुभाष्री थर्ड का आंसर देंगे बच्चे एनसीआरटी पे चांद खान फोकस है लल्लू बच्चे मेरे झल्लास्ती आदमी एन की चीजें फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट दिया नहीं है ना बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे थर्ड 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 का आंसर फॉल्स है बेटा इसमें क्या गलत है इसमें नोज गलत है बेटा नोज अगर क्वालिटी ऑफ वॉइस को अगर डिटरमाइन करेगा तो फिर कुमार सानू जैसी आवाज हो जाएगी पहले एक सिंगर था ना कुमार सानू जो नाक से गाता था है ना, तो नाक से आवाज आनी शुरू हो जाएगी तो इसमें नोज जो है वो गलत है फॉल्स है बेटा फॉल्स 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 है पालस है पालस है देखो चांद बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनसीआरटी के बाहर से भी आते हैं इसीलिए हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में दोनों चीजों को अप्रोच लेके चलना पड़ेगा खाली एनसीआरटी में बने रहोगे तो काम नहीं होगा फिर आपके नंबर उतने ही आएंगे दो सौ इस बात को समझे ये देखो बेटा लंग्स दिखा रहे हैं इसमें दो लंग्स हैं बच्चे हमारे सामने राइट लंग और लेफ्ट लंग आपको पता होना चाहिए कि राइट लंग हमेशा बड़ा होता है राइट right लंग जो होता है वो बड़ा होता है और राइट right लंग में तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं आप देख सकते हैं आप यहां देखो राइट right लंग में दो फिशर्स दिख रहे होंगे आपको लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर दिख रहा है आपको राइट लो राइट लंग में सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर लोब दिख रहा है लेफ्ट लंग में आपको जो दिख रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर लोब दिख रहा है इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है राइट right लंग थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है और राइट right लंग में इन्फेक्शन भी ज्यादा कॉमन होते हैं ऐसे बोलते हैं कि निमोनिया जिसे इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स कहते हैं बेटा वो राइट लंग में ज्यादा कॉमन होता है चलिए फटाफट फटाफट फड़, फड़ देखते जाएं इसमें कोई खास बात नहीं है प्लूरा एक डबल लेयर कवरिंग होती है बाहर वाली प्लूरा को प्लूरा को पेराइटल कहते हैं और अंदर वाली प्लूरा को विसरल प्लूरा कहते हैं दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मीडियास्टिनम चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखिए बेटा यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रही होंगी आपको दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है मैं आपको बता भी देता हूं फटाफट देख लो ध्यान से अगर मैं ऐसे लंग बनाऊं एक लंग ऐसे बनाऊं तो एक प्लूरा बिल्कुल इसके साथ एडहेरेंट होती है जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं और एक प्लूरल इसके प्लूरा जो होती है बाहर होती है जिसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं तो प्लूरा जो होती है वो डबल लेयर होती है यस बेटा फ्लूड एक्यूमलेन हो जाता है वही क्वेश्चन मुझे पूछना है वही क्वेश्चन मुझे पूछना है लक्ष्मी एक स्टेप आगे चलती है मेरे से चलो फटाफट बताए क्वांटिटी ऑफ द प्लूरल फ्लूड इज इंक्रीज इन इन्फेक्शन लाइक ट्यूबर क्लोसिड एंड निमोनिया अब ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है एम्स में क्वेश्चन आया था 2010 में क्या ये सही है या गलत है फटाफट -फड़ बताइए ओब्लिक मेरा बेटा तिरछा होता है ओब्लिक का मतलब ये होता है जैसे लेफ्ट लंग है ना लेफ्ट लंग में ऐसे वाला तिरछे वाला वो है फिशर फटाफट -फड़ बताएंगे फटाफट -फड़ बताएंगे क्वालिटी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ द प्लोरल फ्लूड इज इंक्रीज इन इन्फेक्शन लाइक ट्यूबर क्लोसिस एंड निमोनिया मेरे बच्चों बताओ सही है या गलत है फर्स्ट का आंसर देंगे फर्स्ट का आंसर ह्यूमन हेल्थ से भी ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है देखो जब भी जब भी हम बात करते हैं ध्यान से बेटा जब भी हम बात करेंगे और निमोनिया का तो उसके अंदर क्या होगा कि प्लूरल फ्लूड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसको प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन कई लोग उसे प्लूरसी भी कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स में आ चुका है ये लो दूसरा क्वेश्चन प्लूरल फ्लूड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन ड्यूरिंग डीग्लूटेशन सेकेंड का आंसर देंगे सेकंड का सेकंड का आंसर देंगे सेकंड का सेकंड का सेकंड का सेकंड का आंसर देंगे यस yes, बेटा राजेश कुमार थर्ड कहां पूछ के थर्ड तो अभी आया नहीं सेकेंड का आंसर दोगे एक कदम आगे क्यों चल तो तीसरा तो क्वेश्चन ही नहीं है सेकेंड का आंसर दोगे सेकेंड लिख के आंसर दो बेटा चलो 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 फटाफट कोई बात नहीं कोई बात नहीं सेकंड का आंसर देंगे नौशीन ने बोला फॉल्स विशाखा कुमारी बेटा सेकंड ट्रू कैसे हो गया सेकंड ट्रू नहीं होगा बच्चे अरे मेरे बच्चों ट्रू ये जो अच्छा कई लोग पहले का आंसर दे रहे हैं अभी डीग्लूटिशन का मतलब क्या होता है स्वेलो करना यार प्लूरल फ्लूड का स्वेलो करने से क्या रिलेशन है ठीक है डिग्लूटेशन का क्या मतलब होता है खाने को निकलना तो निकलने में कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है अगर हो भी रहा है तो उसमें सही बात है. कभी कभी इस प्लूरल फ्लूड में बेटा एयर ज्यादा आ जाती है उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं कभी कभी ब्लड आ जाता है तो उसे हीमोथोरैक्स कहते हैं कभी कभी पस आ जाती है उसे पायोथोरैक्स कहते हैं इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा वैसे ही बता दिया बेटा मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग सी दिस ब्यूटीफुल वीडियो देखो आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहां पर देखो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल मूव करती हुई नजर आ रही है तो आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर इज अबाउट इंटरकोस्टल मसल्स आप देखोगे यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स नजर आ रही हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कहां होती हैं? रिब्स के बीच में और देखो डायफ्राम भी दिख रहा है देखो 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 फटाफट फटाफट देखो सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम यू कैन एक्चुअली सी ये जो रेड रेड कलर की बीच में मसल्स नजर आ रही है ना कई लोगों को मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं लोगों को विजुअलाइजेशन ही नहीं होता है पता ही नहीं होता इंटरकोस्टल मसल क्या है तो आधी जिंदगी तो उसी में तवा हो जाती है पता ही नहीं इंटरकोस्टल मसल कहाँ है देखो इंटरकोस्टल मसल कैन सी दैट ठीक है यस yes, बेटा डायफ्राम भी दिख रहा है इंटरकोस्टल मसल्स भी दिख रही है तो ये आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान तो सुनो बहुत सारे लोगों को ना देखो बेटा जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कहां पर क्या चीज है बहुत सारे लोग तो वैसे ही आधे से ज्यादा लोगों को तो किडनी भी नहीं पता होता किधर होता है और एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाता है ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं ठीक है कभी कभी हंसी आती है एक बच्चा था जिसने एक बार मेरे से एक सवाल पूछा था बोला कि सर एक बात बताइए कि एलव्यूलाई जो होती है एलव्यूलाई उससे हम सांस, के, उसमें सांस कैसे लेते हैं मैंने कहा क्यों कहता तो लेते उसमें तो मिल्क भरा होता है मैंने कहा वो मेरे झल्लास्टिक बच्चे वो मैमरी ग्लैंड की एलवीलाई है तेरे लंग्स की एलव्यूलाई है तो वो सिलेक्ट भी हो गया भी, अभी एफ एम में पढ़ रहा है एफ एम में पढ़ने वाला डॉक्टर बनने वाला है लेकिन उसने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मुझे आज तक हंसी आती है इसीलिए विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है लैग नहीं हो रहा बेटा देर इज नो लैग चलो ठीक है आगे चलते हैं यहां देखो इनहलेशन की बात कर रहे हैं इनहलेशन की बात कर रहे हैं बेटा फटाफट -फड़ इनहलेशन इनहलेशन का क्या मतलब है सांस अंदर लेना देखो अभी एनसीआरटी से रिलेटेड ही है मेरे बच्चों देखो यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है आपको पता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर की तरफ होती है जिससे केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेशर कम हो जाता है और एयर मूव्स इन ये आपने पढ़ा होगा एनसीआर में बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है देखो हम रिवीजन कर रहे हैं अगर मैं आराम से पढ़ाता तो इसको मैं आधा घंटा लेके पढ़ाता क्या ये देखो ये सारा कुछ देखो आप ये आपको मालूम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिपकेज एलिवेट हो जाता है थोड़ा सा डायफ्राम ऐसे केसेस में आपको मालूम होगा कि डायफ्राम मेरे बच्चों कैसा हो जाता है डायफ्राम ऐसे स्ट्रेट हो जाता है ठीक है डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है और रिपकेज ऐसे एलिवेट हो जाती है तो होता क्या कि वॉल्यूम बढ़ जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है

आवाज़ आपकी आना मतलब फड़ अविनाश भारद्वाज ने बोला ट्रू साई फॉल्स मुसरत जहान ने बोला फॉल्स मेरे बच्चे ये फॉल्स है बच्चे जो डायफ्राम है ना वो पोस्टीरियर बढ़ाता है आप कह रहे हो ना एनसीआर रिवाइज करो देखो बेटा एनसीआर की बात बता रहा एंटीरो पोस्टीरियर मेरे झल्ले बच्चों जो होती है ना वो डॉस जैसे अगर ऐसे बढ़ रहा है तो है ना डायफ्राम तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे नीचे, नीचे जा रहा है तो एंटीरो है इट इज नॉट डॉर्सो वेंट्रल इट इज यस बेटा 2020 के लिए ही है तो दिस इज फॉल्स बेटा बेटा ध्यान रखना गलती नहीं करनी है डायफ्राम बढ़ाता है एंटीरो पढ़ो एनसीईआरटी की बातें पूछ रहा हूं और जो रिप केज होती है वो डॉस एंट्रल चलिए राइट ध्यान रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन ये question, supplied by phrenic nerve. ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने ये भी मेरे पहले पूछा जा चुका है एआईपीएमटी में फटाफट -फड़ बताओ yes, बेटा क्रिस्टीन ओके okay, श्रीजा वेरी गुड फटाफट बताओ डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व इज ट्रू इज दैट ट्रू यस सेकंड इज एप्सोलिटी ट्रू सब लोग ट्रू बोल रहे हैं

ड्यूरिंग एक्सलेशन डायफ्राम बिकम कॉन्वेक्स अब बताओ फर्स्ट का आंसर बताएंगे फर्स्ट का फर्स्ट का फर्स्ट का फर्स्ट का आंसर 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 बताएंगे बताएंगे जल्दी से फर्स्ट फर्स्ट का बताएंगे. First का बताएंगे, नौशीन ने बोला फॉल्स शाहिना ने बोला ट्रू चांद खान ने बोला ट्रू डॉक्टर बिहारी ने बोला फॉल्स कई लोग ट्रू बोल रहे हैं कई लोग फॉल्स बोल रहे हैं क्या गलत है मेरे बच्चे इसके अंदर क्या गलत है मुझे बताएंगे झल्ले मेरे बच्चों ये देखो ये देखो ये, ये बॉडी है और जब एक्सलेशन करेंगे तो मेरे प्यारे झल्लास्टिक बच्चों जब एक्सलेशन करेंगे तो ये हो गया ना डायफ्राम ऐसे ही तो हो गया तो अब ये होता है कॉन्केव ये ऐसे हो गया ना तो ये तो आपका इनलेशन में होता है ये में ऐसे होता है ना एक्सलेशन में डायफ्राम आग दो जाता है आग दो जाता है तो ट्रू हो गया ना इसमें फॉल्स कहां से आ गया समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान तो सुनो दा... ये देखो दिखा तो रखा है यार समझते नहीं हो बात को यहां देखो बच्चे मेरे यहां पर दिखा भी रखा है आप देखो फिगर में देखो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो कॉन्वेक्स हो गया ना अब आप नीचे से घुस देखो के देखोगे तो हर कॉन्वेक्स के पीछे तो कॉन्केव होता है कैसे झल्लास्टिक बातें करते हो आप ठीक है चलो राइट right. अगलाटल पोजिशन क्या यह सही है क्या यह सही है फटाफट बताइए ऑर्थोनिया इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वेन द पर्सन इज इन हॉर्जोंटल पोजिशन क्या यह सही है बताओ फटाफट 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 हाँ, फ्लैटेंड होता है अनुपम खुश मैं कह रहा हूं कि कॉन्वेक्स की उल्टी साइड पे होता है ना वैसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा ना फ्लैट तो जब होता है जब इनेशन कर रहे होते हैं चलो बताओ फटाफट 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 बताओ ऑर्थोनिया इज इन ब्रीदिंग द पर्सन इज इन इनिशन का आंसर देंगे सेकेंड का सेकेंड का देंगे, का आंसर देंगे जानवी भगत ने लिखा है ट्रू एकदम सही है बेटा ऑर्थोनिया जो होता है ना ऑर्थोनिया इज एन इंडिकेशन ऑफ किस चीज का हार्ट अटैक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम सुनो मैं आपको एक बात बता देता हूं नॉर्मल ब्रीदिंग को यूनिया कहते हैं ठीक है यू का मतलब ट्रू डिफिकल्ट ब्रीदिंग को डिसनिया कहते हैं सुनते रहो मैं जो कह रहा हूं ना होने को एनिया कहते हैं फास्ट ब्रीदिंग को टेक्निया कहते हैं और अगर डीप फास्ट ब्रीदिंग हो रही हो तो हाइपरनिया कहते हैं ठीक है और अगर मान लो किसी की स्लो ब्रीदिंग हो रही हो तो हाइपोनिया कहते हैं ठीक है और अगर ना हो रही हो तो एनिया कहते हैं और अगर डिफिकल्टी इन हॉर्जोंटल पोजिशन हो तो ऑर्थोनिया कहते हैं ऑर्थोनिया का मतलब होता है वेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन हॉर्जोनटल पोजिशन लेटा हुआ है तो प्रॉब्लम है और अगर सीधा है तो बिल्कुल नॉर्मल है यूनिया का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग डिस्निया का मतलब डिफिकल्ट ब्रीदिंग एनिया का मतलब नो ब्रीदिंग टेक्निया का मतलब फास्ट हाइपरनिया का मतलब गहरी सांसें हाइपोनिया का मतलब कम ऑर्थोनिया और्थ, का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन लाइंग डाउन हाइपर कैपनिया होता है बेटा श्रद्धा हाइपरनिया बोल रहा है ये देखो बच्चे पनिया जो वर्ड है ना पनिया वो ब्रीदिंग के लिए है ध्यान से सुन लो पनिया और जो आप लिख रहे हो वो हाइपर कैपनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड है है ठीक यस बेटा हार्ट अटैक आ सकता है वही मैं बोल रहा हूं हार्ट अटैक आ नहीं सकता हार्ट अटैक की इंडिकेशन है आने वाले टाइम में आ सकता है यानी कि एक बार लेटने में अगर मान लो सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट अटैक में हो गया हार्ट अटैक हो गया ऐसा मत सोचना कभी कभी वैसे भी हो सकता है नाक भी बंद हो सकती है आपकी चलिए अगला आप देखो ये स्पायरोमेट्री का टेस्ट है बहुत सारे लोग स्पाइरोमेट्री

आप देखो ध्यान से ये ब्रीद आउट करेंगे और जिसमें ये ब्रीद आउट कर रहे हैं उसे स्पायरोमीटर कहते हैं तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ना हम रटते रहते हैं इसलिए मैंने आपको ये सारे जो है मतलब मैं आपको सारे वीडियो और जो है जिफीज दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड की वट इज स्पायरोल करते हैं और यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है ध्यान से सुनेंगे नाक पे चिमटी जरूर लगानी है नहीं तो नाक से हवा बाहर आ जाएगी ना कैसे ब्रीद आउट करोगे देखो ध्यान तो सुनोगे चलो ठीक है अब हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं ध्यान तो सुनेंगे फटाफट फड़ ध्यान सुनेंगे चलिए चलिए इसको फॉल्स कह रहे हो बेटा ये तो ब्रीद आउट कर रहा है इसको फाल्स कह रहे हो आप आप देखो ये रही आपकी एनसीआर यहां पर आपकी सारी एनसीआर टी है, है यहां से मैं आपको सारे वॉल्यूम्स बताऊंगा बेटा ये सारे वॉल्यूम्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है ध्यान से सुनेंगे टाइडल वॉल्यूम देखो क्या लिखा है टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम पहले तो आप मेरी बात समझ लो जब भी आप टाइडल वॉल्यूम की बात करते हो

और एक वर्ड होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ये सब एनसीआर की लाइंस कहीं से से बाहर नहीं लाया हूं सिर्फ NCRT की लाइन है तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम नॉट माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझे बेटा टाइडल वॉल्यूम बाय ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट रेट इसमें जोड़ दिया तो हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता होता है है 12 से 16 होता है. तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो या तो 12 से या 500 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से तो 6 से 8 लीटर आ गया ये लिखा हुआ है ठीक है चलो ये ये पता होना चाहिए फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ये बेटा एडिशनल वॉल्यूम है जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आप इनहेल कर सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम का मतलब जैसे देखो ये बॉटल है यहीं से मैं समझाता हूं ये आपने नॉर्मल ब्रीदिंग से लिया हुआ है अब जो बॉटल बाकी खाली है उसको भरने के लिए आपको जोर से अंदर सांस लेना पड़ेगा तो एक्चुअली ये एडिशनल 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 वॉल्यूम वॉल्यूम है देखो ध्यान से सुनो ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब जो आप कर सकते हो उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन पर्सन एक्सहेल जो एक्सहेल करके बाहर निकाला जा सकता है एडिशनल वॉल्यूम ठीक है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं ध्यान रखना इसमें टेंशन नहीं लेना बच्चे ठीक है 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 ये याद रखनी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडुअल वॉल्यूम की लाइन है जब आप जितना जोर से बाहर सांस कुछ ना कुछ एयर हमेशा रह जाएगी रेजिडुअल रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जो आपकी बॉडी में एयर मतलब आपके लंग्स में जो एयर बच जाती है उससे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम यस आई गॉड दो वॉल्यूम होते हैं टाइडल वॉल्यूम दो पार्ट बार, से बना होता है एक होता है डेड स्पेस वॉल्यूम और एक एल्यूलर वॉल्यूम एनसीआरटी में नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं बताया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहां पर टाइडल वॉल्यूम को आईआरवी के साथ जोड़ दिया ये कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम को आईआरवी के साथ जोड़ दिया ये आपको मालूम होना चाहिए वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी के ऊपर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी में हम क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी को जोड़ देते हैं यह सब आपको मालूम होना चाहिए और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या करते हैं रेजिडोल वॉल्यूम प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टाइडल वॉल्यूम यानी सबको जोड़ देते हैं ठीक है एक मिनट रुक जाओ एक कैपेसिटी हो गया वाइटल कैपेसिटी के, के अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस जो है रेजिडोल वॉल्यूम इन सबको जोड़ दिया ये वाइटल कैपेसिटी नहीं है टोटल लंग कैपेसिटी है टोटल लंग कैपैसिटी टीएलसी फिर लिख देता हूं वहां गलत हो गया टी एल सी इज इक्वल टू रेजिडोल वॉल्यूम प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस जो है आपका ये वाला जो बच गया ई आरवी आई आरवी और टाइटल तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा ये सब आपको याद होना चाहिए बेटा इसमें कोई खास बात नहीं है इजी है है इजी ठीक चलिए 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 एक बच्चे का बर्थ सात बजे हुआ है और फंक्शन रेसिडेंट कैपेसिटी मालूम है ये सब आप रिवाइज कर सकते हो तो देखो बेटा वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये वीडियो देखो इस तरह से यस बेटा इस तरह से देखोगे वाइटल कैपेसिटी को तो एक बेलून के थ्रू एक्सल करके बाहर निकाला जाता है एक्सेल करके बाहर निकाला जाता है ध्यान से सुनेंगे वाइटल कैपेसिटी जो है वो एक बैलून के थ्रू हम करके कैलकुलेट कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो क्या आते हैं उसे ध्यान से सुनो बेटा देर इज नो लैक फ्रॉम माई साइड एक क्वेश्चन आता है कि वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन फीमेल्स देन मेल्स देखो ये जो चाइनीज फीमेल है कितनी जोर से जो है वो एक्सल कर रही है तो क्या ये सही है क्या फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स फटाफट बताएं फटाफट फड़ बताएं बैलून मतलब बेटा एक वो है इंस्ट्रूमेंट जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं फटाफट बताइए ट्रू है या फॉल्स है यह स्पायमी का टाइप ही है बच्चे रजत त्रिपाठी बोलेंगे सही बताइए फटाफट फट फड़ बताइए क्रिस्टीन बोल रहे हैं माई वाइटल कैपेसिटी इज वेरी लो बच्चे ये रॉन्ग लिखा हुआ है वाइटल कैपेसिटी हमेशा मेल्स में ज्यादा होती है इट इज मोर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स मेल्स में ज्यादा होती है मेल्स में वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है एथलीट्स में ज्यादा होती है और प्रेग्नेंट फीमेल में भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल तो पहला वाला है याद रखो मेल्स में वाइटल कैपेसिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है एज पे डिपेंड करती है लंग्स के टेक्स्चर पर डिपेंड करती है रेस पर डिपेंड करती है कौन से आप रेस से आते हैं ठीक है थीके? और फिर उसकी बॉडी की बिल्डअप पर डिपेंड करती है मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स में, में कम होती है एथलीट्स में ज्यादा होती है नॉन एथलीट्स में कम होती है प्रेगनेंट फीमेल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू

एकदम सही एकदम सही इट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ पलमरी फंक्शन इंडेक्स बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए राइट 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 ट्रू 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 सब लोग true रहे हैं। आगे आ जाइए ये रहा बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो एल्वियोलाई होती है एलवियोलाई उसमें सिंपल स्क्वास एपिथीलियम होता है एनसीआरटी में दिया हुआ है सिंपल स्क्वास एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम होता है और उसके बाद दूसरी बात जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी बिल्कुल थिन होती है और उसके अलावा एंडोथिलियम होता है एंडोथिलियम जो होता है वो ब्लड कैपिलरी का होता है ये आपको मालूम होना चाहिए तीनों को मिला के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं इसमें ट्रू फॉल्स मैंने नहीं पूछा बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, में एलवेलाई में सिंपल स्क्वास एपिथिलियम होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है फिर एक एंडोथिलियम होता है तीनों को मिला के हम बोल देते हैं चीज बोल देते हैं तीनों को मिला के रेस्पिरेटरी बोलते हैं देखो यहां पर सिंपल यह यह है, हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है इज दैट क्लियर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी यस बेटा यस बेटा सिराज ट्रू कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है ध्यान से समझेंगे ठीक है तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलवियोल में सिंपल होता है ये कई बार ही पूछा जा चुका है मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है सिंपल सेल्स होती है स्क्वामस सेल्स का मतलब होता है फ्लैट होती है

ई में जो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 104 होता है 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा और जो आपका डी ब्लड होता है उसमें भी ऑक्सीजन होती है उसमें भी 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है चलो बच्चे अभी हम लोग क्विज कर लेते हैं ठीक है आज ये काम जल्दी खत्म हो गया फटाफट क्वेश्चन आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ रहा है फटाफट आंसर देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन अडल्ट फ्रॉक यस yes, बेटा चार्ट इज गिवन इन द एनसीईआरटी फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा लर्न करना है क्रिस्टीन वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी जल्दी 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इट इज नॉट मिलीलीटर प्रेशर है बेटा प्रेशर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग हम्म ध्यान से पढ़ो बेटा ध्यान से क्वेश्चन गलत हो रहा है ध्यान से पढ़ो कई लोग गलत आंसर दे रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज फर्स्ट लक्ष्मी का आंसर सही है मैथ्यू का आंसर सही है बेटा, है बेटा फ्रॉग जो वो लैंड पर स्किन से ब्रीदिंग ब्रीदिंग करता है क्यूटेनियस कहते हैं उसको और बक्कल कैविटी से भी ब्रीद कर सकता है ठीक है बेटा क्यूटेनियस ब्रीदिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग टेक्स प्लेस बाय द स्किन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर फ्रॉग में क्यूटेनियस ब्रीदिंग नहीं होगी तो फ्रॉग मर जाएगा क्योंकि देखो

क्वामस एबिथिलियम होता है और एंडोथिलियम होता है अभी मैंने आपको बताया स्क्वामस एबिथिलियम होता है एलवियलस में और एंडोथिलियम होता है ब्लड वेसल में बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वेरी इंपॉर्टेंट इसको ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया करेक्ट 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 बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात है गुड 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 ग्रेट ग्रेट चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन लंग वेंटिलेशन इज मूवमेंट लेंग लंग वेंटिलेशन मूवमेंट इज ड्यू टू ये तो मैंने पढ़ाया बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है फटाफट देखिए फटाफट फटाफट थर्ड का आंसर देंगे थर्ड का आंसर देंगे वेंटिलेशन मूवमेंट किसकी वजह से होती है सिराज आज फर्स्ट आंसर दे रहे हैं साक्षी द्विवेदी फर्स्ट दे रहे हैं इसका क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा किसी का भी गलत नहीं होगा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों होते हैं ठीक है, है यहां सिर्फ डायफ्राम लिखा है या कोस्टल मसल लिखा है इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर चलिए बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड

इंटरनल इंटरकोस्टल फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम करेगी बच्चे चलो अगले सवाल पे आते हैं ड्यूरिंग फोर्स एक्सपीरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए पांचवे क्वेश्चन का आंसर देंगे पांचवे क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट 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 यस बेटा फिफ्थ का आंसर देंगे फिफ्थ 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 गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग तो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स की बात हो रही है फोर्सफुल एक्सप्रेशन की नो मेरे बच्चे साई गॉड योर आंसर इज रॉन्ग बच्चे दोबारा सोचो दोबारा सोचो दोबारा सोचो सचिन शर्मा रॉन्ग सचिन शर्मा रॉन्ग एवरीबडी रॉन्ग एक बच्चे ने आंसर सही दिया किसने दिया मैं नाम निकल गया तेजी से चला गया मैसेज एक बच्चे ने आंसर करेक्ट दिया कोमल सिंह कह रहे हैं नो 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 बेटा यस मोहित मौर्या मोहित हैज गिवन द राइट आंसर और एक रवि चौरसिया ने भी ठीक दिया बेटा देखो फोर्सफुल ब्रीदिंग जो होती है ना फोर्सफुल ब्रीदिंग उसमें एबडोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती याद रखो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है इंटरनल मसल inter भी कॉन्ट्रैक्ट कर तो पकड़ -पकड़ करता है डायफ्राम को और ऊपर भेजने की कोशिश करता है याद रखना अब याद आ गया अब सबका आंसर सही आ गया पहले क्यों गलत आ रहा था चलो कोई बात नहीं राइट बेटा चलिए ठीक है ओके अनुपम सही है चलिए

हम प्रैक्टिकल करके आंसर किए हैं ओके okay, ठीक किए हैं भाई आप बहुत अच्छा किए हैं सर आर्यन जी आपकी क्विज लेने वाला हूं रिप्रोडक्शन पर जल्दी बहुत जल्दी फटाफट देखेंगे किसी छोटे बच्चे का इन्फेंट का जो है हार्ट भी अगर यहां चेस्ट पे हाथ रखा होगा तो धक 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 हार्ट बीट बहुत तेज होती है आपने देखा होगा जितना ज्यादा छोटा साइज होता है उतना बीएमआर होता है तो बी होने का मतलब हार्ट बीट भी ज्यादा होगी और ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होगा ठीक है ये इजी क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है जितने बड़े जैसे एलिफेंट है एलिफेंट इतना बड़ा होता है ना उसकी हार्ट बीट सिर्फ पच्चीस हार्ट बीट पच्चीस पर मिनट होती है मैं ब्रीदिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूँ हार्ट बीट की बात कर रहा हूँ ब्रीदिंग रेट भी वैसे ही आएगा और जो वेल होती है उसकी सात बीट पर मिनट होती है वेल इतना बड़ा हार्ट होता है एक

क्रिस्टीन ने बोला ए ने बोला सेवंथ का सी नीट सिलेबस व्हाट वेपन टू द नीट सिलेबस विवेक कुछ नहीं है नीट वीट का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता अपना आराम से पढ़ाई करते रहो चलिए 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 देखते हैं बेटा मेरे बच्चे ये कह रहा है कि इंक्रीज वेंटिलेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ब्लड में होनी चाहिए लेकिन यहां पर ब्लड चॉइस में नहीं है एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वेंटिलेशन बढ़ जाता है ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है एनसीआर पढ़ो अंतिम लाइन में लिखा हुआ रेगुलेशन में कि ऑक्सीजन हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन द ब्रीदिंग ऐसे लिखा हुआ है ठीक है कल पढ़ाऊंगा ये मैं आपको ठीक है ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इट इज दी हाई टेम्परेचर इट इज द डिक्रीज पी एच विच इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड से चलती है ब्रीदिंग चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स चलिए आठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट 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 आठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे यस रजत त्रिपाठी एथ क्वेश्चन का आंसर एथ क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे फटाफट 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 वाइटल कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया वाइटल जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा कल से पढ़ाऊंगा आज आज मैं रिप्रोडक्शन खत्म कर दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और कल से स्पेशल क्लासेस में सैटरडे तक नौ बजे रोज क्लास लगेगी जिसमें मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम हमने टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ी थी जिसके अंदर सब कुछ जोड़ दिया था अब उसमें से वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी ये तो आप सब जानते ही हो इसमें कोई खास बात नहीं है यस yes, बेटा ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था इजी था ठीक है स्पेशल क्लास आदित्य सुमन यूट्यूब पे नहीं होती है स्पेशल क्लास के लिए आपको अनएकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी फ्री है टेंशन मत करो आफ्टर एक्सपिरेशन आफ्टर एक्सपिरेशन द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पर्सन ब्रीज इन एज मच एज एयर पॉसिबल द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इज नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी करो जल्दी करो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा सानिया आप ऐप पे कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे अन्य लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर आपको दिख जाएगी क्लास मेरा नाम टाइप करेंगे तो आ जाएगा सर्च करेंगे ठीक है चलिए राइट 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 नाइन्थ 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 क्वेश्चन का आंसर करेंगे नाइन्थ जो भी स्पेशल क्लासेज होती है वो एप्सलूटली फ्री है जो प्लस क्लासेज होती उसमें है उसमें पेड वाले स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पेमेंट कर रखी है ठीक है तो प्लस क्लासेस जो हैं जो जो मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं यूट्यूब की तरह से ही फ्री है एनी बडी कैंड ज्वाइन स्पेशल क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं है बस आपके पास एक ऐप डाउनलोड होना चाहिए चलिए नाइन्थ का क्या आंसर आ रहा है क्या कर रहे हो बेटा एक्सप्रेशन ऑफ द टाइटल तो इसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहेंगे ना कैसे आ गया आपका सबका सी आंसर आ गया इंस्पिरेटरी वॉल्यूम आफ्टर दी नॉर्मल टाइडल इन एज एज मच एयर पॉसिबल बेटा ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो सबका गलत आ रहा है

टेंथ का आंसर दीजिए टेंथ का टेंथ का श्रद्धा यादव बिल्कुल सही है बेटा टेंथ का आंसर देंगे इजी क्वेश्चन है इजी बिजी लेमन स्क्वीजी जल्दी करेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर एरो देख लेना इधर की तरफ है टेंथ का बेटा एरो देख लो एरो देख लो पहले पढ़ लो पढ़ लो बेटा निशा ठाकुर इट विल बी वेरी सुन फटाफट आंसर देंगे टेंथ का आंसर देंगे क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे कैसे कर रहे हो आंसर इनमें से इंक्रीजिंग वॉल्यूम सबसे कम कौन सा है पहले सोच लो अरे यार सबसे कम कौन सा है पहले टाइडल वॉल्यूम वन के बाद उससे ज्यादा कौन सा है देखो टू रेजिडल वॉल्यूम फिर कौन सा है इंस्पिरे वॉल्यूम फिर वाइटल कैपेसिटी क्या सोच रहे हो बच्चे ध्यान से पढ़ो ना बेटा ध्यान से पढ़ो ध्यान से ट्वेंटी बेटा टेंथ क्वेश्चन का आंसर है ध्यान से देखो सबसे पहले कम कौन सा हो गया टाइडल वॉल्यूम

खत्म करते हैं फटाफट फड़ जिन लोगों ने अन अकेडमी को अभी तक डाउनलोड नहीं किया बेटा कोई नया स्टूडेंट है तो फटाफट फड़ डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपनी आईडी क्रिएट कर लें बच्चे आईडी क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप प्लस पे चले जाएंगे प्लस पे जाने के बाद आप नीट कैटेगरी सेलेक्ट कर लें नीट कैटेगरी क्यों सेलेक्ट करनी है वो तो आपको मालूम है क्योंकि आप मेडिकल एस्पेरेंट है और फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का चांस बन जाएगा बेटा सब्सक्रिप्शन ये वाली लेनी है कौन सी वाली ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी मंथ वाली ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है ज्यादा समय के लिए लक मिलती है और आपके पास इकोनॉमिकल भी है यह आपके पास पॉकेट फ्रेंडली भी है और यह वाला कोड है मेरा जी ए जी एन इसको आप यूज करेंगे तो बच्चे टेन परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस फीस में से जो कि ऑलरेडी बहुत कम है ट्वेल्व मंथ के लिए और ट्वेंटी फोर मंथ के लिए आप देख सकते हैं बहुत कम फीस है इसमें भी दस आपको फ्लैट मिल जाएगा डिस्काउंट ठीक है बच्चे चलो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा क्यों ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है आप लोग कहते हो ना क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पर आ जाती है फिर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा फटाफट -फड़ जस्ट नीट जस्ट नीट ऊपर लिखा है ये चैनल जो भी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप फिर बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी ठीक है यहां से आप थोड़ी देर के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो बेटा और कल हम लोग मिलेंगे कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोराइड शिफ्ट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कल का सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्चुअल होने वाला है चलो बेटा अभी के लिए इसको खत्म करते हैं कल मिलेंगे तीन बजे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू